चीज़ सुनने में आ रही है कि शोएब अख्तर ने कुछ बोल दिया है बाबर आजम के ऊपर, शोएब अख्तर ने कुछ बोला है शाहीन के ऊपर कि वो अच्छा बॉलर नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नया इंटरव्यू लेटेस्ट में कुछ, तो उसके बारे में एक वीडियो देखने वाला हूँ। बाबर आजम इज़ नॉट अ ब्रांड, ही डज़ नॉट नो स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा शोएब अख्तर ने बोला है, उनको बोलना नहीं आता। अच्छा, तो देखते हैं भाई क्यों बोला है। वैसे तो सही है यार वो बंदा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ऐसा बोला है यार बाबर आजम के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अल्लाह ने आपको एक ऐसा क्रिकेटर दिया है जिसके माँ बाप ने दिन रात एक किया, जिसके कज़नों ने उसको धुतकारा, उसका नाम है बाबर आजम। दुनिया उसको किंग बाबर आजम के नाम से जानती है। 60 की उसकी वनडे की एवरेज है, बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन टीम के अंदर कप्तान, आपको वो आगे लेकर जा रहा है और आपको उस पर नाज है कि हर मैच में वो आपको परफॉर्मेंस देगा। यानी खबर वो बनती है कि आज बाबर आजम ने स्कोर नहीं किया और जिस दिन वो स्कोर करता है लोग कहते हैं ये नॉर्मल डे है। ये है आपका ब्रांड और उस ब्रांड का नाम है बाबर आजम। लेकिन आप यकीन कीजिए, पिछले काफ़ी अरसे से एक पूरी प्लानिंग के साथ बाबर आजम को डिग्रेड किया जा रहा है पीसीबी के अंदर, चाहे वो नजम सेठी टोला हो या कोई टोला हो या वो शुएब जट और बाकी गंदे सहाफ़ी जितने हैं वो इस पर तनकीद कर रहे हैं, वो टोला हो या मोहम्मद आमिर जैसे एक थर्ड क्लास बॉलर जिन्होंने सरेआम मुल्क को बेचा और आवाम ने उनको इज्जत दी कि ठीक है जो गुजर गया हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन वो सुधरे नहीं, वो कभी उंगलियां दिखा रहे हैं कभी कुछ दिखा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक ऐसे क्रिकेटर जिस पर पूरी दुनिया को एक नाज था, ये सारे लोग अब दिल से उतरते जा रहे हैं और ऐसे उतर रहे हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शुएब अख्तर ने कहा कि बाबर आजम कोई ब्रांड नहीं है। वो ब्रांड इसलिए नहीं है क्योंकि उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अब यकीन कीजिए, जिस शख्स ने आपकी पहचान करवाई है पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया में लोग आपको जानते हैं बाबर आजम की वजह से और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि गोरे भी उसके साथ खड़े होते हैं तस्वीर उतरवाने के लिए और कोचिस बाबर आजम की टेक्निक से सिखा रहे हैं दुनिया को, यार इस तरह क्रिकेट खेलते हैं, ये लेजेंड है। उस शख्स से शोएब अख्तर से पूछें, आपने उसको पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इंग्लिश का लगाना है, उसे आपने क्रिकेट खिलानी है या आपने उसे इंग्लिश के अंदर लेक्चर्स करवाने हैं कि जी वो इंग्लिश नहीं बोलता इसलिए वो ब्रांड नहीं है। और कहा जी शाहिद अफरीदी, मैं और वसीम अकरम चूंकि इंग्लिश बोलते हैं तो हमें इश्तहारात मिलते हैं। अगर ये तुम्हारी मंतक है तो फिर दुनिया का सबसे निकम्मा ब्रांड है मैसी, जिसने वर्ल्ड कप जिताया, इंग्लिश तो उसको बोलनी नहीं आती। और देख ले आज पूरी दुनिया के दिल की धड़कन है रोनाल्डो, आज देख ले सबसे महंगा तरीन अल नसर क्लब ने उसको खरीदा है, वो खिलाड़ी है, उसके लिए तो लॉ भी बदल रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, इंग्लिश तो नहीं आती उन लोगों को। और इसी तरह फ्रांस की टीम, स्पेन की टीम, इटली की टीम, आप इनके 99.99% प्लेयर्स जो है या दुनिया के बेहतरीन, इवन के ब्राजील के खिलाड़ी, जर्मनी के खिलाड़ी, इनको तो इंग्लिश ही नहीं आती। आप अंदाजा कर ले, छोड़िए सारी बातें, अब दुबई के सहरा में चले जाए, आप देखिए डेजर्ट के अंदर उन्होंने दुनिया का शाहकार ऐसा खड़ा कर दिया कि 200 ममालिक के लोग आते हैं और करोड़ों लोग विजिट करते हैं। अब कतर को देख ले, उनके लोगों को इंग्लिश नहीं बोलनी आती, उनको पता ही नहीं है, वो सही प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते। उन्होंने वर्ल्ड कप पूरी दुनिया का लाकर खड़ा किया। मोहम्मद बिन सलमान को देखे, वहां पर सऊदी अरब में इंग्लिश नहीं आती लोगों को, लेकिन वो दुनिया के अंदर वो शाहकार खड़ा कर रहे हैं। टीम में एक बात याद रखिएगा, इस वक्त अगर पाकिस्तान का कोई ब्रांड है तो बाबर आजम है। प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम उस मुल्क के अंदर है जिसकी इकोनॉमी की औकात ये है कि $3.25 अरब आपके रह गए हैं। अर्दुगान को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो दुनिया में कहीं भी जाता है ट्रांसलेटर साथ रखता है और वो उनकी खानदानी चलती आ रही है। इसी तरह प्यूटिन कभी इंग्लिश में तकरीर नहीं करेगा, इवन के दुनिया के बड़े से बड़े लोग भी उसके साथ खड़े होंगे कभी इंग्लिश में बात नहीं करेगा, लेकिन दुनिया ने उसको नहीं कहा। आप अंदाजा कर लें कि अगर ये बंदा इंडिया में होता है तो उसकी वैल्यू इससे कम अज कम भी 5 से 10-20 अरब के करीब होती। यानी उसका जो ब्रांड लेवल है वो धोनी से बड़ा है, लेकिन आपकी इकोनॉमी का लेवल ही नहीं है। इंडिया के पास 550 अरब डॉलर है जखायर, आपके पास 2.75 है, तो इसीलिए कौन इश्तहारत में रखेगा, हर कोई ये चाह रहा है कि वो पैसा बचाए। बस शाम जिसको देखो बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, ये जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं बाबर आजम उनसे बातचीत कर लेता है और उनके साथ खेलता है, उनकी कप्तानी में वो खेल रहे हैं पीएसएल में। जब टीम को स्कोर की जरूरत होगी तो आप बाबर आजम को कहना भाई तू इंग्लिश बोल, तू रहने दे। आपने ये नहीं उसको कहा यार तू अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर ले,
हमें मजीद 60 की बजाय मजीद अच्छी एवरेज दे। अब उसे कह रहे तो इंग्लिश इंप्रूव कर स्ट्राइक रेट, जब आपको मैच जीतने की जरूरत होगी तो आप उसे इंग्लिश बुलवाते रहना। ये शान मसूद जिसको सर पर चढ़ाकर रखा हुआ, उसकी इंग्लिश देख लें कितनी अच्छी है, परफॉर्मेंस उनकी देख लें 0/0। सकलैन मुश्ताक का माजी अगर आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई थी या उसके बाद जब उसको मैन ऑफ द मैच मिलता था, अक्सर औकात वसीम अकरम साथ जाता था ट्रांसलेट करने के लिए। उस बंदे ने गुरबत के अंदर क्रिकेट खेली। आप देखें विराट कोहली को अगर आप देखते हैं कोई इंग्लिश बोल रहा है, उसका बाप क्रिमिनल लॉयर था, प्रेम कोहली उसका बाप लॉयर था, क्रिमिनल लॉयर, और उनके घर में थ्रू आउट इंग्लिश बोलते चले आ रहे थे। वो इंग्लिश मीडियम में उसने दाखिला लिया, वो थ्रू आउट उसने 12th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश बोली, तो उसकी इंग्लिश पहले ही बड़ी अच्छी थी, उनके घर में बोली जाती थी। तो बाबर आजम को आप देख लें, उस बेचारे के पास एक जूते नहीं थे, उसके बाप ने इतनी मेहनत की, बॉल पकड़ने वाले बाउंड्री पर उसको रखवा कर दिया कि यार ये प्लेयर्स को देख लें, और वहां से वो स्क्रैच से बढ़ता 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 आया। ये उमर अकमल, कामरान अकमल क्या मदद की है इन्होंने, कोई और होते अपने कजन को लाते, वो तो जल जल के सड़ के उनका बुरा हाल हो गया। अब आप अंदाजा कर लें कि आप दुनिया के अंदर, वो अपना बेचारा तालीम बुरी नहीं कर सका, वो कैरियर पर फोकस करता तो आज आपको बाबर आजम ना मिलता। अख्तर भी उस लेवल से है भाई, हर एक का ही कैलिबर नहीं होता। आप बता दें सकलैन मुश्ताक आज इंग्लिश बोलता है, मुश्ताक अहमद आज इंग्लिश बोलता है, पहले नहीं आती थी इनको, लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर उसके ऊपर अगर इतना दबाव है वो कोशिश करता है। कुछ लोगों में सीखने की सलाहियत कुछ और होती है, आप अगर मछली की सलाहियत चेक करना चाह रहे हैं तो आप उसको दरख्त पे चढ़ाएंगे, उसकी सिलाई चेक करनी है पानी में, बंदर की सिलाई चेक करनी है तो आप उसको दरख्तों पे देखें कितनी स्पीड से जाता है, अब उसको पानी में तैराएंगे तो आप कहेंगे कि यार इसकी क्या सिलाहियत है। किसी में लैंग्वेज सीखने के गुर ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, लेकिन हर किसी को अल्लाह पाक की डिफरेंट सिलाहियत दी होती है। बाबर आजम को इंग्लिश बोलने के पैसे नहीं मिलते, आपकी पूरी टीम के अंदर, पूरी टीम के अंदर अगर सही मायनों में कोई पैसे हलाल कर रहा है अपने, तो उसका नाम है बाबर आजम, वो मोर देन इनफ आपको उसने आगे लेकर गया हुआ है। बाबर आजम शोएब अख्तर से कितना बड़ा स्टार है, अगर शोएब अख्तर के नजदीक जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, जिसने बहुत कुछ कमाया होगा, वो सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, तो बाजवा की बहू को फिर आप ले आए, उसके पास वो 12 अरब रुपए का प्लॉट है और वो भी करप्शन का, तो आप उसको पकड़ लें, और आसिम बाजवा को ले आए जिसके पास पापा जोन्स की 200 ब्रांचेज है लेकिन हलाल का पैसा नहीं है उसके पास, और पाकिस्तान के जितने बड़े लोग हैं 99.99% सारे हराम का खाते हैं, कोई आज तक किताब नहीं आपको लिखकर दे सका कि भाई रूल्स क्या होते हैं रिच होने के, अमीर होने के, क्या आप कर सकते हो। इस हिसाब से तो शोएब अख्तर कोई ब्रांड नहीं है, क्योंकि उसको फ्रेंच नहीं आती, जर्मन नहीं आती, इस हिसाब से तो शोएब अख्तर कोई स्टार नहीं है। शोएब अख्तर की अपनी लाइफ कैसी गुजरी है किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता है कि आप गुनाहों पर पर्दा डालें। आपको एक शख्स परफॉर्म करके दे रहा है, शोएब अख्तर साहब आप कोई ब्रांड नहीं है, आप लोगों से जाकर कंपेयर कर ले कि दुनिया का कौन सा अच्छा ब्रांड था, आपने जब क्रिकेट खेली थी आपको टाइटल तक तो नहीं आपको ले जा सके कौम को, आप एक अच्छे फास्ट बॉलर थे। अगर आपकी लैंग्वेज सीखनी है कि पसली तोड़ दी, जिगरा ये कर दिया, उसमें बड़ा दम है, फलाना है, इस तरह की लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करनी है तो आप पाकिस्तान के लिए लोग बाबर आजम को जानते हैं उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, उसकी तकनीक की वजह से, दुनिया उसकी इज्जत करती है उसके क्रिकेट की वजह से, इंग्लिश की वजह से इज्जत नहीं करती। मसला ये है कि गोरे चले गए हैं, 75 साल हो गए हैं, लेकिन यकीन कीजिए जो उनके असरात एहसास कमतरी के हमारे अंदर मुंतकिल हुए हैं वो शायद अगले 300 साल तक भी ना निकले। इंग्लिश इसी तरह एक लैंग्वेज है जिस तरह पंजाबी है, जिस तरह उर्दू है, जिस तरह सिंधी है, बस वो थोड़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इस वक्त जो रूल कर रहे हैं उनको इंग्लिश आती है, कभी मुसलमान जब रूल करते थे तो अरबी होती थी ये लैंग्वेज। लेकिन आप देख लीजिए कि दुनिया ने तरक्की कहाँ पर की, हम एहसास कमतरी में ही मारे गए। तो मसला ये है, इन्होंने जो भी बोला है, हकीकत टीवी वालों ने बहुत कुछ बोला है वैसे तो इन्होंने, कि शोएब अख्तर का करियर ऐसा वैसा, मुझे वो बात बुरी लगी कि इन्होंने ये बोला कि आपने क्या दिया है, आपसे आपकी लाइफ किसी से छुपी ढकी नहीं है, बहुत कुछ दिया है भाई शोएब अख्तर ने, उसका कुछ और मतलब भी तो हो सकता है। शोएब अख्तर ने बहुत कुछ दिया है पाकिस्तान को, सबसे तेज़ बॉल अभी भी पाकिस्तान में शोएब अख्तर के नाम से है। शोएब अख्तर ने घुटने ख़राब होने के बाद, डॉक्टर के मना करने के बाद पाकिस्तान में आया, टीम में आया, और भले ही उनका हाँ अग्रेशन मशहूर था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया है, उनका भी स्ट्रगल रहा है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अमीर पैदा हुआ था तो पहुंचा वहाँ तक, वो भी गरीबी से उठकर गया है। बाबर आजम के बारे में ऐसा बोला है कि वो ब्रांड बन सकता था या नहीं बन सकता था, उसका मकसद दूसरा भी हो सकता है,
ये सब कुछ बोलने का कि बाबर आजम अगर इंग्लिश बोलता तो उसकी उसको ज़्यादा चीज़ों में होती। हाँ, कभी कभी गलत भी बोल जाते हैं शोएब अख्तर, मैं मानता हूँ, जब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं आप तो कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। हो सकता है गलत बोला हो, गलत वे में बोला हो उन्होंने कि बाबर आजम इंग्लिश नहीं बोल सकता इसलिए वो ब्रांड नहीं है, भले ही इतना बड़ा वो खिलाड़ी, तो बोला होगा, ठीक है मान लेता हूँ मैं बोला होगा। तो आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, अगर बाबर आजम तक ये बात पहुँच सकती है तो वो भी पॉजिटिवली ले सकता है इस चीज़ को कि चलो ठीक है हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं सीख सकते लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि क्रिकेट बाकी है, क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं इंग्लिश को सीखें, लैंग्वेज को सीखें, लोगों से कम्युनिकेशन अपना बेहतर करें। PSL में आप देखें तो अपनी टीम का कप्तान है जलमी का, जिसके अंदर इंग्लिश लोग भी खेलते हैं, उनसे कम्युनिकेट भी करना होता है ग्राउंड पर, करना ही पड़ेगा भाई, कप्तान हो तो करना ही पड़ेगा, आप बॉलिंग कर रहे हो तो भी करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। आप कितने ही वो सही, नसीम शाह की बात करें तो नसीम शाह को भी नहीं आती इंग्लिश आई थिंक इतनी ज़्यादा, हाय हेलो और इसके अलावा, लेकिन वो भी कम्युनिकेट करता है, जब वो बॉलिंग करने जाता है तो इंग्लिश जो बंदे हैं वो समझाने आते हैं उसको कि इस तरीके से बॉलिंग कराओ। टैलेंट को झुका नहीं सकते आप, वो अपने टैलेंट से जो है वो है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन शोएब अख्तर की बात मैं कहूँ तो पॉजिटिवली अगर आप इसको लें, भले ही उन्होंने गलत मकसद या गलत तरीके से बोला होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि उसको पॉजिटिवली लो और इम्प्रूवमेंट करते रहो अपने अंदर, कोशिशें करते रहो, बाकी टैलेंट को हमेशा ऊपर रखो, उसके बेस पर आप आगे बढ़ते जाओ। जो बाबर आजम किंग कहलाते हैं वो अपने टैलेंट की वजह से कहलाते हैं, और मैंने देखा है पाकिस्तान में इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं आती है, क्रिकेटर्स को बहुत सालों से नहीं आती है, शोएब अख्तर के टाइम में भी नहीं आती थी। ये बात भी सही है कि अगर आप थोड़ा इम्प्रूव करो अपने आप को कम्युनिकेशन इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज से, तो आप थोड़ा एक लेवल और ऊपर जा सकते हो। जाहिर सी बात है, जाओगे कम्युनिकेट करोगे और लोगों में बैठोगे, उनके दिमाग की बातें सुनोगे और जानोगे अपनी कहोगे, तो जाहिर है कि इम्प्रूवमेंट होगा। एंड करता हूँ इस वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।